Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो भाई अभी यहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ रेजू गेमिंग का 1v1v1v1 ओनली ब्लॉक टेस्ट टूर्नामेंट। तो भाई देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँचाऊंगा इसके अंदर आगे भी। और चारों जगह पर भाई पहले फेज का पहला यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी, और हम लोग दो ही लोग अभी दो ही लोग इसके अंदर हम लोग बस। तो एकदम आराम से भाई बिना कुछ खेले हम लोग यहाँ पर भाई पहले राउंड के अंदर एकदम फ्री पॉइंट मिल गया अपने को यहाँ पर। और अब यहाँ पर शुरू हो चुका अपना सेकंड राउंड। तो भाई चारों लोग इस बार बराबर, चार के चार प्लेयर भाई बराबर है इस बार। पिछली बार तो भाई दो ही लोग थे बस, और यहाँ पर अब खेलना पड़ेगा अपने को अभी। और वैसे भी भाई पहला ही फेज है ये, और इसमें टोटल सात राउंड है, सात में से अगर हम लोग कितना नहीं भी क्वालिफाई करें सबके तो भी तो आराम से करेंगे सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई। और अब यहाँ पर लोगों ना मतलब अभी ना हटा के लोगों पर दो फेज रखने चाहिए टूर के अंदर अपने। तीन फेज से अच्छा था लेकिन मतलब कोई है नहीं, तो भाई तीन फेज के लिए क्या मतलब, अभी दो फेज रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। तो ये सही बात है, देखो एकदम सही बात है। ये पहला फेज खेलने सबका टाइम खराब होता बस, क्योंकि जब बिना खेले भी पब्लिक क्वालीफाई करें सेकंड फेज के लिए तो भाई पहला फेज टाइम वेस्ट ही हो रहा सबका यहाँ पर। सेकंड फेज रहेगा तो मतलब दो ही फेज रहेगा तो अच्छा रहेगा आपसे, लेकिन लोगों ने भाई तीन फेज का सब पूरा अपना वही बना दी कि मतलब तीन फेज रहना है, तीन ही फेज रहना चाहिए बस। उससे कम ही लोग पता नहीं बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, वैसे बना तो सकते हैं उससे भी कम, लेकिन बोलना पड़ेगा लोगों को एक बार कि अभी तो कोई प्लेयर खेलने इतना ज़्यादा खेलता भी नहीं है, तो दो ही फेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर पंच का मारा भाई, और अगर आप दो फेज रहने लग गए ना तो मतलब मैं पहले फेज में मार दूंगा फिर तो, अगर दो ही फेज रहने लग गए तो पहले फेज के अंदर मेरी वाट लग जाएगी फिर खेलने में। और यहाँ पर आ जाओ ऊपर, और भाई हट 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 आगे की तरफ आ जाओ, और किक मार रहा है ये मुझे। अच्छा भाई अच्छा भाई पंच बच गया, वहाँ से पंच मार रहा था वो। यहाँ पर हटो चुपचाप भाई, चुपचाप निकल जाओ आगे। और ये स्किन भाई बहुत भारी लग रही है देखने में यार स्किन, और पता नहीं भाई लोगों ने इसको स्पेशल स्किन क्यों नहीं माना, जबकि स्पेशल स्किन है पूरी पूरी है देखने में, तो भाई पूरी स्पेशल ही लगती है स्किन, इसको लेजेंडरी रखते हैं। और यहाँ पर गिर गया भाई, गिर गया वहाँ पर जिंदर ब्रेड, मेरे को पंच मारा था वहाँ पर, अच्छी बात गिर गया वहाँ पर वो। और अब यहाँ पर स्टार्ट होगा अपना तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका अभी यहाँ पर, बस यहाँ पर पाँच राउंड बचे अभी भी, और जो खेलने मेरे को कंटा आ रहा है सही बता रहा हूँ, मैं जबरदस्ती खेल रहा हूँ इसको, जबकि मुझे पता है भाई अगर नहीं भी खेलूंगा तो एकदम आराम से सेकंड फेज के लिए जाऊँगा एकदम आराम से। वो भी कितना इसके अंदर है ना, पहले फेज में 104 लोग क्वालीफाई करते हैं हर बार, और क्या पंच मारा था उसने उसको, क्या मस्त पंच मारा था भाई, एकदम किनारे पे आके बचा वो, लात मारते रहो लोगों बस लात मारते रहो। और देखो एनबी पंचर नाम है इसका, तो भाई पक्का ये पंच मारेगा, यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा इसे अपने को। किक मार दी इसको, अरे भाई मेरी किक लग गई इसको हवा में, क्योंकि मैंने जंप करके किक मार का डाइव मारता वहाँ पर। और अरे एक और के भाई कैसे किक लग गई, क्या लगी भाई, क्या मस्त किक लगी लेकिन यार लोगों को कुछ करना चाहिए यार इसका मतलब, भाई पब्लिक यहाँ पर किक मारने के बाद डाइव मारती है, ये लोगों को हटाने चाहिए ऐसे, किक मार के डाइव नहीं मार सकते ऐसे रखना चाहिए लोगों को, कि अगर तुमने किक मार दी तो तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, जंप डाइव कुछ नहीं लगा थोड़ी देर तक का पब्लिक तो, लेकिन भाई दबा के मार दी अभी। और गेम वाले हटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि भाई लोगों ने एकदम सही पीछा लगता है देखने में कैसा कूद के। और यहाँ पर भाई फटाक से निकलता है, और ये गिर जाएगा भाई वहाँ पर, और गिर गया भाई, गिर गया वहाँ पर, गिर गया वो ऊपर नहीं आ पाएगा अब तो, और गिर गया यहाँ पर, देखो एलिमिनेट हो चुका वहाँ पर, क्या मस्त उसको मैंने मारा वहाँ पर इधर किनारे पे, किक मार दिया वहाँ पर मैंने उसको। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी को ऐसे एलिमिनेट कर रहा हूँ लात मार के एकदम स्टाइल में, वो भी स्टाइल तो नहीं मतलब नॉर्मली था वो, और मैं ऐसे भारी भारी लोग एलिमिनेट करते दूसरे लोग को, मतलब ऐसा पंच मारे धकेल के एकदम बहुत भारी वाला। ये तो यहाँ पर भाई, अरे अरे भाई हटने तो यार, शैतान मेरे पैर के नीचे आ गया पूरा, लात मार दो उसको भी, देखते गिरता है कि नहीं, बच जाएगा ये भी चांस है पूरा बचने का। और वो आबीगा भाई, आबीगा ऊपर, मुझे लगा जाएगा वो, मुझे लगा कि ना राइट साइड से आएगा कूद के वो, लेकिन वो पहले मतलब डायरेक्टली आएगा कूद के उसके ऊपर से। और यहाँ पर भाई पंच, अरे नहीं लगा यार, और यहाँ पर अब मेरी वाट लग चुकी है, मैं नहीं आ पाऊंगा उसके ऊपर। और भाई सर के ऊपर भाई कूद गया होता सर के ऊपर चढ़ गया, और चलो भाई कर गया क्वालीफाई करके इसके अंदर। और अब यहाँ पर अपना चौथा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया, अभी देखते भाई क्या होगा इसके अंदर, एकदम आराम से खेलना इसके भी अंदर, एकदम आराम से भाई क्वालीफाई भी कर दूंगा इसके अंदर खेलकर। और कितने भाई अभी भी, कितने चार राउंड बचे अभी भी, एक एक राउंड खेलने जान पा रहे, अगर ये सोलो रेसिंग होता तो अच्छा रहता, पहला फेज पूरा रेसिंग रखते तो अच्छा रहता इसके अंदर, एकदम आराम से पब्लिक खेल के फटाफट निकलती। और मेरा मन कर रहा है कि मैं जो टूर बनाऊंगा ना अपना अगले महीने से, मतलब पूरा रेस मैप रखूंगा उसको, उसके अंदर एलिमिनेशन मैप नहीं डालूंगा भाई, एलिमिनेशन मैप ना बहुत ज़्यादा लंबा चल जाता है, और वन वी वन रखूंगा रेस रखूंगा वन वी वन पूरा, मतलब पहले फेज में पूरा सोलो रहेंगे वही 16 लोग आएंगे, 8 लोग क्वालीफाई करेंगे 8 लोग हारेंगे, फिर सेकंड फेज में 8 लोग आएंगे 4 लोग जीतेंगे 4 लोग हारेंगे, और आखिरी फेज पूरा वन वी वन रहेगा रेसिंग वाला, तो अच्छा रहेगा वो, फटाफट खत्म भी हो जाएगा वो। और है ना मेरे को कि मालूम क्यों रेसिंग रखूंगा मैं, क्योंकि ना उसके अंदर मतलब है ना फटाक से राउंड खत्म हो जाएगा उसके अंदर जल्दी जल्दी, और अगर कोई अगर टूर ग्लिच होगा तो जल्दी पता भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई टूर बहुत ग्लिच हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है आजकल मेरे भाई, मेरे ना बीच में दो टूर ग्लिच हो गए, इतना गुस्सा रहा ना खेलने में उसको लोगों, मतलब वैसा कि मतलब सेकंड फेज में एक तो भाई, अरे क्या भाई क्या यहाँ पर, एक है ना चार फेज वाला तो वो थर्ड फेज में आके ग्लिच हो गया, और एक तो तीन फेज वाला तो उसको पहले पंखे ना सेकंड फेज में ग्लिच हो गया वो जाकर, इतना गुस्सा रहा था ना खेलने में उसको, मतलब जब हम लोग है ना क्वालीफाई करते तो रीमैच हो जा रहा था, जैसे हम लोग हारे थे पॉइंट लोगों को दे जा रहा था, काउंट कर लेता था पॉइंट लोग के उसमें पता नहीं क्यों, और मुझे लगता बस हम लोग अकेले का यहाँ पर ग्लिच हुआ है, क्योंकि बाकी सबका एकदम बराबर चल रहा था, बाकी सबके राउंड हो रहे थे, हम लोग यहाँ पर अटका के रखा था उसने एक राउंड के अंदर, तो टाइम ज़्यादा खराब होता है फिर अगर ऐसा टूर ग्लिच होता है, अगर एलिमिनेशन मैप का टूर रहेगा तो, रेस मैप का रहता तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, फटाक से पता भी चल जाता है कि ग्लिच हुआ कि क्या हुआ, लंबा लंबा खेलना नहीं पड़ता उसमें जीतने के लिए, फटाक से भाई चालू होता है एक मिनट के अंदर ख़त्म भी हो जाता है वो।
और यहाँ पर आ जाओ और आ जाओ कूद के आगे की तरफ एकदम आराम से पिछड़ जाओ पिछड़ जाओ। अबे खड़े हो मेरे भाई, अबे खड़े नहीं हो रहा भाई, इतना लेट खड़ा हुआ वो। और अबे अबे भाई भाई आ जाओ उसके ऊपर और यहाँ पर भाई क्या गंदा होगा भाई, किक मार दो उसको। और मैं गिर गया पहले, अरे वो मेरे से पहले गिर गया, चलो वो मेरे से पहले गिर गया वहाँ पर, मेरे को लगा मैं गिरा उससे पहले। और शुरू हो चुका पर अपना पाँच राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी और बस अभी तीन राउंड बचे हैं और फटाफट से भाई तीन राउंड खेल के निकलना है अपने को सेकंड फेज के लिए। और सेकंड फेज खेलने वैसे नहीं मजा आता भाई, पहले फेज में तो कोई भी एकदम आराम से अच्छे पॉइंट निकाल ही रहता है, सेकंड फेज में भाई मेरे को बहुत भारी पड़ता है सेकंड फेज इसका, मतलब बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, निकाल ही नहीं पाता भाई। पहला फेज जितना अच्छा था सेकंड फेज उतना खराब जाता है मेरा, बहुत कम बार होता है कि सेकंड फेज मेरा अच्छा चला जाता है, लेकिन भाई ज़्यादा बार ये होता है कि सेकंड फेज मेरा बहुत खराब जाता है, फिर मेरे को अच्छे से खेलना पड़ेगा यहाँ पर एकदम आराम से भाई। पंच मार दो उसको, अरे भाई लगा, अरे लग भी गया, मुझे लगा नहीं लगा उसको लेकिन लग भी गया वहाँ पर, लेकिन दूर नहीं करा वो, जगह पर गिर के बच गया। यहाँ पर आ जाओ आगे और यहाँ पर किक मार देंगे एक और, भाई बच गया वो, मैं मारा ही नहीं यार, मैंने किक मारा ही नहीं, मुझे लगा मैंने किक दबा दी वहाँ पर, पंच मारा उसको लेकिन कुछ फायदे का नहीं रहेगा ऐसा लग रहा मुझे, बच जाएगा वो। आ जाओ उसके ऊपर और यहाँ पर कोई कोई गिरा नहीं अब तक, अब सब लोग पीछे करेगा लोग दोनों तीर और शायद लड़ाई कर रहे पीछे गिर का, देखो पंच मारा था वो लोग को और क्या पंच मारा उसने उसको लेकिन बच गया वो। आ जाओ उसके ऊपर और यहाँ पर भाई एकदम आराम से आ जाओ कोने से चुपचाप आ जाओ यहाँ पर, और बीच में तो भाई मैं अपनी आदत बना लेती कि कांटे से टकरा के जाऊँगा पर, अरे भाई कहाँ से गई ये हल्का साइड भाई, ज़्यादा साइड बैठ गया यार फालतू, इतना कोने बैठा यार मैं हट। और चालू हो चुका अपना छठा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया और कोई है नहीं इसके अंदर, दो ही लोग हम लोग बस, और ये तीसरा आ गया यार, तीसरा आ गया यहाँ पर, दो लोग थे हम लोग बस यहाँ पर यार, फटाक से राउंड खत्म हो जाता फिर, लेकिन देखते अब कितना लंबा चलेगा। आ गया भाई एक और आ गया यहाँ पर, अब खेलना पड़ेगा भाई, लंबा खेलना पड़ेगा चार लोग के गिरने तक का। और यहाँ पर चलो गिर गया एक प्लेयर तो गिरेगा पक्का, देखते हैं लेकिन, अरे ये भी गिर गया क्या, साथ में गिर गया भाई, उसके साथ में गिर गया ये पता नहीं कैसे, लेकिन दोनों गिर गए साथ में वहाँ पर, हम लोग यहाँ पर करके क्वालीफाई राउंड के अंदर आराम से। और अब यहाँ पर चालू चुका अपना सातवां राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया, आखिरी राउंड है पहले फेज का ये, और पहला फेज को ज़्यादा जल्दी खत्म हो रहा है यार इसके अंदर, मतलब सब लोग फटाफट से। और यहाँ पर आ चुका भाई एनबी पंच यहाँ पर फटाक से आ गया है और दो लोग यहाँ पर बचे हैं, नो कितना क्या नाम है इसका, मे 000 नाम है इसका, और एनबी पंचर यहाँ पर देखते भाई, और मैं एनबी पंचर शायद पंच मार दिया उसको वहाँ पर, पंच मार के गिरा दिया शायद, देखते कौन गिरता दोनों में से। और यहाँ पर अब एनबी पंचर गिर गया भाई, मुझे लगा इससे एनबी पंचर उसको पंच मार दिया लेकिन वो खुद यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो गाइस यहाँ पर पहला फेज खत्म हो चुका और यहाँ पर भाई मैं वो पांचवें नंबर पे, मेरे छह पॉइंट निकाला था पहले फेज के अंदर और बस एक राउंड हारा था इसके अंदर। तो भाई अगर मैं सेकंड फेज के अंदर ना पांच राउंड अगर निकालूंगा तो भी अच्छा सही रहेगा, मतलब एकदम आराम से उसके अंदर भी क्वालीफाई कर दूंगा पांच राउंड पॉइंट निकाल कर, लेकिन देखते मेरे सेकंड फेज के साथ इसके अंदर आगे भी। और शुरू हो चुका अपना सेकंड फेज का भाई, पहला राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया और अब मुझे अच्छे से खेलना पड़ेगा अभी, मतलब पहला फेज मेरा अच्छा गया यहाँ पर, सेकंड फेज और अच्छा जाना चाहिए यहाँ पर अभी, ताकि मैं थर्ड फेज के लिए क्वालीफाई करूँ। और यहाँ पर एकदम आराम से आ जाओ उसके ऊपर, आ जाओ उसके ऊपर और बच के खेलना पड़ेगा भाई। अच्छी बात इसमें हाँ मोटा अलाउड नहीं इसके अंदर, सिर्फ पंच और किक ही है और यहाँ पर लात मार दिया इसने अपने को, और पंच और किक तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं अभी, मतलब सब लोग यहाँ पर अभी फायर पंच और सर्फी स्किन किक यूज़ करते हैं भाई, पता नहीं क्या नाम है इसका, सर्फ किक यूज़ करते हैं सब लोग, क्योंकि भाई नया देखने में अच्छा लगता है वो, पता नहीं भाई फायर पंच तो भाई दिखता भी है कि फायर पंच हम लोग मार रहे हैं, लेकिन किक अगर तुम लोग जमीन पर बिना रहे मारोगे तो ऐसा इफेक्ट भी आएगा तुम्हारे पैर के नीचे कि तुम लोग किक मारे वैसे पानी वाली। देखो यहाँ पर जैसा अभी नहीं बन के आया वैसे, देखो वापस उसके पैर के नीचे नहीं बन के आया था यहाँ पर भाई, अरे भाई हट हट हट, अरे खड़े हो मेरे भाई, हार्ट अटैक दे रहा फालतू का, मेरे को लग रहा मैं जाऊंगा यहाँ पर बच करेगी ना, यहाँ पर हटो हटो, अरे भाई धक्का दे दिया भाई इतने आके यार, ये लोग को सुकून नहीं मिलता है कहीं और जगह दिखती नहीं कर लोगों को, मुंह के सामने के भाग रहे लोग हट यार। और यहाँ पर चालू जो अपना सेकंड राउंड, तो भाई पहला राउंड में एकदम गंदा आगा मैंने यहाँ पर, और आ जाएंगे भाई प्लेयर आ जाएंगे, मेरे को पता था भाई प्लेयर आ जाएंगे इसके अंदर, आ गए दोनों के दोनों आ गए यार। और यहाँ पर भाई अपना आ चुका है साथी, आ चुका अपना जो इसके साथ में लॉन्च हुई थी इसके स्टंबल पास के अंदर, एकदम आराम से किक लग गई इसको, किक लग गई यहाँ पर, ये लोग पता नहीं मारेंगे नहीं, और मुझे लगातार भाई पाँच राउंड लगातार क्वालीफाई करने पड़ेंगे मुझे अभी, अपने एक भी राउंड हारा नहीं मुझे यहाँ पर, लगातार क्वालीफाई करते ना तो मतलब ऐसा देख के अच्छा लगता है कि हाँ चलो फटाफट लगातार क्वालीफाई करते आ रही है, तो यहाँ पर अच्छे से खेलना पड़ेगा अपने को एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से नहीं लगा कुछ नहीं, मारा भी नहीं मैंने, और ये लोग मार रहे नहीं यार, पंच किक नहीं मार रहे ये लोग पीए भाई, पंचों किक मार ही नहीं रहे लोग यहाँ पर, मैंने मार दिया और उसने मारा यहाँ पर, देखो वो भी इंतजार कर रहा था किक मारने का, लेकिन पहले मैंने मार दिया उसको वहाँ पर, मतलब उसने बाद में मारा था, अरे उसको तो मैं मार भी नहीं रहा यार, मैंने इसको मारा था यहाँ पर साइबर पंक की स्किन वाले को, और गिर गया भाई प्लेयर गिर गया यहाँ पर, और ये भाई बच गया बच गया बच गया, मुझे लगा ये भी जाएगा लेकिन बच गया वहाँ पर ये, और अरे भाई फिर बचाइए ये लोग बच के चाहते यार कांटे पर टकराने के बाद, मैं टकरा तो भाई मेरे को कोने में फेंकता पूरा ये, और यहाँ पर अभी ये जाएगा ऊपर नहीं आ पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए ऊपर वो, और आ गया ऊपर आ गया ऊपर आ गया रहेगा अब तक का, गिरना रहता भाई गिर, देखो आ गया ऊपर आ गया, मुझे ऐसा लगा था जाएगा लेकिन भाई बच गया वो, और कोई भाई पंची का और केक मार ही नहीं रहा कोई इसके अंदर, वो भी वहाँ पर से भाई बनाने पिल फेंक जा रहा है वहाँ से बस वो फालतू में पता नहीं क्यों। और यहाँ पर अभी पक्का जाएगा भाई, पक्का जाएगा नहीं सकता अभी, और अब तो यहाँ पर भाई चलो खत्म हो गया इसका गेम यहाँ पर खत्म हो गया, और हम लोग यहाँ पर करके भाई राउंड के अंदर क्वालीफाई करके हम लोग, और यहाँ पर चालू जो अपना तीसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी अपना, देखते क्या होगा इसके अंदर अभी एकदम आराम से भाई इसको भी खेलकर क्वालीफाई करना अपने एकदम आराम से। और जो भाई आ चुका भाई अपनी स्किन लेकर आ चुका अपनी कौन सी भाई स्मोकी स्किन लेकर आ गया, ये स्किन बहुत खराब लगती है मुझे देखने में, मतलब अच्छी है लेकिन ना मतलब समझता नहीं कि कहाँ पर है ये प्लेयर, और भाई जो खेलता ना उसको खुद नहीं समझता होगा कि कहाँ पर है ये प्लेयर,
कि उसको खुद को नहीं दिखाई देता होगा। और ये देखो ये अबे इसके ऊपर के इफेक्ट से दिख रहा है यार, मतलब केक वाला। बाकी किसके ऊपर दिखेगा नहीं, इसके ऊपर दिखेगा लेकिन एकदम अच्छे से। तो एकदम आराम से भाई लात मार दिया मैंने लोग को और कोई भी गिरा नहीं अब तक का। और ये भाई का बचाओ, अबे उसने अगर किक मारा था ना वहाँ पक्का गिरा होता नीचे, किक मारता तो भाई स्लिप होकर नीचे गिरता सीधा सीधा। लेकिन पंच मार रहे लोग सब भाई साहब, वहाँ पर पंच मार रहे हैं यहाँ पर, आ जाओ उसके ऊपर। और है ना भाई मेरा रेड नेम है तो भाई लोग ना मतलब कोई तो ऐसा रहेगा उंगली करने वाला जो मेरे को मारेगा बस आके रेड नेम देखकर कि भाई इसी को मारो। लेकिन अब तक कोई मिला नहीं है वैसा, सबको लग रहा है भाई कोई फेक होएगा रेड नेम वाला। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे नाम के ऊपर सी सी या सी पी लिख के आ गया ना, मतलब सी पी तो नहीं लिख के आएगा लेकिन सी सी लिख के आ सकता है ऊपर मेरे नाम के आगे, सी सी अगर लिख के आ गया जब मेरा, अबे हट यार निकलने तो भाई, आराम से खेलो आराम से खेलो। तो सबको देख के समझेगा जब सी सी लिख आ जाएगा सबको समझ जाएगा हाँ चल रियल प्लेयर है मैं यहाँ पर, कोई फेक नहीं, यहाँ पर असली प्लेयर हूँ मैं यहाँ पर। और कोई भी नहीं कर अब तक का, निंजा भी आ जाएगा यहाँ से मेरा रास्ता बनाए थे निंजा के लिए। कोई तो गिरा भाई, कोई एक प्लेयर तो गिरा यहाँ पर, ज़्यादा लंबा राउंड चल रहा है और कोई नहीं गिर रहा यहाँ पर। तोड़ो इसको और यहाँ पर आ जाओ इसके ऊपर से। और अभी तक कोई नहीं गिरा भाई, अभी तक कोई नहीं गिरा अब तक का। और आ जाओ भाई कूद जाओ भाई, अभी नहीं कर रहा इसने, अभी किक मारनी पड़ेगी सर मेरे को। और फिर टकरा गया भाई, मैं फिर टकरा गया भाई यहाँ पर को, कूद जा भाई। क्या गंदे टाइम पे कूदा, जल्दी कूद गया पर। अगर हल्का सा भी लेट कूदता ना भाई नीचे गिराता था मेरे को, ये पता नहीं क्या चलता है इसके अंदर भी। और शुरू हो चुका अपना चौथा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और हम लोग दो ही लोग, बस कोई आना मत भाई, कोई मत आना, कोई मत आना इसके अंदर भी, कोई भी मत आना यहाँ पर। और आ गया यार, आ गया भाई, आ गया तीन ही लोग, दो ही लोग तो अच्छा था यार, खेलना पड़ेगा तीसरे का तभी एंड तक का। और भाई मेरे को अब लगातार अपने चार राउंड लगातार क्वालिफाई करना पड़ेगा मुझे अभी। पहला फेज इतना अच्छा क्या मैं क्या बताऊँ भाई, पहले फेज में बस एक राउंड एलिमिनेट हुआ अपने। और सेकंड फेज में भाई मैं दो बार एलिमिनेट हो गया तीन राउंड खेलकर, बहुत गंदे तरीके से वो भी। लेकिन मेरे को अब खेलना पड़ेगा अच्छे से इसको, मतलब कुछ भी करके। और तो भाई आ गए थे क्या वो, अभी दूसरे प्लेयर आया था इसके अंदर, वो फटाक से एलिमिनेट हो गया इसके अंदर, मतलब लेट स्पॉन हुआ था वो, जल्दी से एलिमिनेट भी हो गया। और बस देखते हैं आप यहाँ पर कौन क्वालिफाई कर पाता है। पंच मारा लेकिन आ गया अंदर वो, आर पर हो गया, कूद के आया उसके ऊपर से। कैसे भी आया अपने को क्या करने का, अपने को खेलने से मतलब यहाँ पर। और ये तो भाई हीरो बना यहाँ पर, पंच किक मार के ये देना पड़ेगा उसको। और यहाँ पर अभी गिर गया वो बनाना, क्या गिर गया वहाँ पर, गोल्डन बनाना डायमंड बनाना गिर गया वहाँ पर। और शुरू हो चुका यहाँ पर अपना चौथा राउंड, यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी। बस भाई तीन राउंड और लगातार क्वालिफाई करना अपने को, तीन राउंड लगातार क्वालिफाई करना अपने को यहाँ पर, जो कि मुश्किल है अभी। और आ चुका भाई ये कहना आ चुका वापस से, जो मेरे से पिछले के पिछले राउंड में आया था। एकदम आराम से भाई, टेंशन नहीं, आराम से खेलेंगे अपन, क्वालिफाई करना अपने को एकदम आराम आराम से खेल के। जल्दबाजी करूँगा तो भाई बच गया बच गया बच गया का टाइम पर कूद के निकला वहाँ से मैं। और ये देखो एकदम आराम से भाई आ जाओ इसके ऊपर, सब खेल रहे अच्छे से यहाँ पर। मेरे को और अच्छे से खेलना पड़ेगा ताकि मैं लगातार भाई, अगर मेरे पाँच पॉइंट रहेंगे तो एकदम आराम से मैं क्वालिफाई करूँगा थर्ड फेज के लिए। लेकिन अगर उससे कम रहेंगे तो समझता हूँ फिर बाहर भाई, फिर ख़त्म मेरा गेम यहाँ पर। पंच रहे, पंच नहीं लगा भाई, पंच नहीं लगा, बच गया वो, कूद के निकल गया हर सामने चढ़ गया कूद के वो, किक मार दो यहाँ पर। और वो लोग भी किक मारते हुए घुस रहे हैं यहाँ पर। एकदम आराम से खेलना भाई, एकदम आराम से खेलना है मुझे, ज़्यादा कुछ उंगली नहीं करना है इन लोग को। दूर रहूँगा तो अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी, मतलब ये ना लेजर टेंशन नहीं है इसके अंदर, लेजर टेंशन रहता तो और मैं ज़्यादा खेलने में। आ जाओ आगे किक, और एक दिन गिर गया भाई, एक दिन गिर गया, एक दिन गिरना बाकी बस। और आराम से भाई, आराम से भाई, ये फटाक से गिर जाओ भाई, फटाक से गिर जाओ कोई प्लेयर यहाँ पर। और मेरे को लग रहा भाई स्मोकी स्किन वाला जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो आ जाएगा ऊपर। अरे गिर गया भाई, गिर गया भाई, मुझे ऐसा लग रहा था जाएगा और चले गया वहाँ पर। बस भाई दो राउंड और क्वालिफाई करने मेरे को लगातार। और चालू चुका अपना छठा राउंड, यहाँ पर स्टार्ट हो गया भाई। बस दो राउंड लगातार क्वालिफाई करने मेरे को अभी, अपने पिछले दो राउंड तो लगातार क्वालिफाई करता आ रहा हूँ, तो आखिरी भाई दो राउंड भी लगातार। इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम भी नहीं लिखा रहे, देखो यहाँ पर स्मोकी स्किन लेकर खेल भाई, इसको नाम ही नहीं लिखा रहा उसके ऊपर, मतलब अब तो भाई दिखेगा नहीं किसको भी ये कहाँ पर है ये। बस हल्की सी भाई परछाई दिख गया तो समझ जाएगा वहीं पर, भागते हुए दिख गया तो समझ जाएगा वहीं पर है ये, मतलब फुटस्टेप दिख गया इसके, तो बाकी भाई कुछ समझने वाला है नहीं कहाँ पर है वो। ये किक लगे मेरी इसको, एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से मेरे को एलिमिनेट नहीं होना बस यहाँ पर, क्वालिफाई करना बस इसके भी अंदर मेरे को। आखिरी के बस दो राउंड बचे बस, अगर मेरे पाँच राउंड हो गए यहाँ पर तो एकदम आराम से फिर मैं थर्ड फेज में आऊँगा। लेकिन अगर मैं एक भी राउंड हारा तो समझता हूँ फिर खत्म भाई, फिर खत्म, फिर तो भाई चांस ही नहीं बचा क्वालिफाई करने को। उसके बाद बनाना पील फेंक रही है पब्लिक यहाँ पर, हटो साइड में, कंटा रहा भाई यहाँ पर मेरे को भाई, जान पर खेलने भी यहाँ पे ये। अबे अबे भाई किक मार दिया भाई, मेरे गलती से किक मार दिया वहाँ पर मैं अपना भाई, मुझे लगा इमोट मेरा बंद है वहाँ पर, मैं इमोट खोलने के लिए था भाई, गलती से किक पे दब गया मेरे से। एकदम आराम से खेलने, एकदम आराम से खेलना है अभी, वो कंटाल तो आ रहा है खेलने में लेकिन फिर भी चलो भाई खेल लेते अपन, बोरिंग हो रहा मुझे सही बता रहा हूँ, एक ही मैप खेल खेल के बार बार। अगर इसके अंदर ऐसे रहता ना मैप बदलता बार बार तो मजा आती खेलने में, लेकिन सेम मैप भाई बार बार रहता ना भाई बोर होता था खेलने में उसको। लेकिन यहाँ पर अब खेलना ही पड़ेगा अपने को, यहाँ पर दो राउंड बचे अपने यहाँ पर अभी, और दो राउंड के बाद शायद ना आखिरी मैच पूरा वन वन रहेगा इसके अंदर, या तो वही रहेगा। हर यार वन वन थोड़ी रहेगा यार इसके अंदर, वन वी वन वी वन वन रहेगा, मतलब पूरे टूर का नाम वही है कि वन वी वन वी वन वी वन होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर एकदम आराम से भाई आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर भाई, अरे भाई पंच नहीं लगा मेरा किसको भी, मतलब मुझे किसका भी पंच नहीं लगा, बच गया यहाँ पर। वैसे एक जन ने मारा था, दोनों लोग मारे भी इनका पंच, एकदम आराम से बच गया उससे मैं। और अब बस यहाँ पर लात मार के निकल जाएंगे लोग के बीच में से, दोनों को पड़ा भाई, दोनों को पड़ा यहाँ पर भाई। तुम लोग पहले जाओ, तुम लोग पहले जाओ, आज भाई आ जाता था
अरे भाई स्टंट मार भाई साहब वहाँ पर, लेकिन वो ट्रिक मार के आ भी जाएगा, उसका टेंशन नहीं इतना। वो लोग भाई आदत पता नहीं कैसे, मेरा ही प्लेयर भाई, मैं यहाँ पर जब जंप लगाता हूँ ना भाई वही करता है, वहाँ पर आके हल्का सा थोड़ा जल्दी जंप मारेगा तो ट्रिक नहीं होती, लेट जंप मारेगा तो जंप ही नहीं करता उसके बाद वो, जबकि ना आप लोग एकदम किनारे पर जंप मारने का रहता वहाँ पर। मेरे से भाई स्टार्टिंग में हो भी गई थी एक दो बार, उसके बाद होना ही बंद हो गई एकदम, मतलब मैं कर भी चुका दो तीन बार वो ट्रिक अचानक में वो भी, लेकिन अब भाई उसके बाद होती नहीं वाली ट्रिक मेरे से पता नहीं के लिए। मैं इतना भाई मैं जब है ना सादे मैच में खेलता ना, मतलब वो कस्टम रूम बना के अपना, उसके अंदर मैं इतना ट्राई मारा मेरे से हो जाते वो टाइम पे, लेकिन भाई टूर के अंदर नहीं हो पाते पता नहीं क्यों। और यहाँ पर आ भाई क्या करा यहाँ पर मैंने, फालतू हीरो बना था वहाँ पर, ऐसे ही करके आना चाहिए अपने को चुपचाप। और यहाँ पर भाई चलो एक प्लेयर गिरे, यहाँ पर एक प्लेयर गिर चुका अपने यहाँ पर, बस एक और के गिरने का इंतजार करने का अपने वहाँ पर भी, आजा हट हट जाने को लोगों ऊपर चलो लोग आगे। और यहाँ पर भाई क्या करा इसने, और अब देखो भाई यहाँ पर देखिए कूदता है कि नहीं, ये आजा था कूदा यहाँ पर भाई, नहीं कूदा यार, नहीं कूदा एकदम किनारे पर आकर मैं कूदना आ रहा था यार भाई। और चालू हो गया अपना आखिरी राउंड भाई, पिछले राउंड के अंदर वो जो ग्लिच हुआ ना एंड में आने के बाद, वो तो हर बार होना ही होना है मेरे साथ यहाँ पर। तुम लोग मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जब जहाँ पे ब्लॉक डैश रहेगा ना भाई, एक ना एक बार भाई होता ही होता है मेरे साथ वो, और एकदम वो बहुत ही गंदे टाइम पर होता है एकदम वहाँ पे, कैसे टाइम पर होता है कि मतलब मैं गिर जाऊँगा फिर, अभी उठने का चांस है यहाँ पर, किक मारो और लग भी गया उसको। अरे कहाँ जा रहा भाई, अरे भाई अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या गंदा गिरा भाई, क्या गंदा आगा भाई इसके अंदर मैंने यार, हट यार। तो गाइस मेरा टूर यहाँ पर खत्म हो चुका, और मुझे यहाँ पर मिल चुका है 30 जेम्स इस टूर के अंदर से, मैंने आखिरी के भाई जो दो राउंड इतने गंदे हारा ना मैं आखिरी वाले, मतलब सेकंड लास्ट राउंड तो मतलब गेम में जैसे हारा मैं वहाँ पर, वो जैसे आर पार करा के मतलब धकेल देता आगे की तरफ, और वो ट्रिक भी तो हो ही नहीं थी मेरे से, पता नहीं होती कि नहीं वाली ट्रिक, मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके अंदर। और प्रैक्टिस क्या बोल यार, जब मैं कस्टम रूम बना के खेलता ना भाई, मेरे से हो जाती वाली ट्रिक वहाँ पर एकदम आराम से, मैं कूद के आ जाता हूँ अंदर, दो तीन बार कर चुका हूँ लगातार, ऐसे हो भी जाता मेरे से वो। टूर के अंदर जब मैं कूदता हूँ ना वहाँ पर भाई, हल्का सा पीछे रहेंगे तो नीचे गिरा देता है, हल्का सा आगे रहेंगे तो भाई आने नहीं देता ऊपर भाई, क्या पता नहीं क्या चलता टूर के अंदर, मतलब वो सब कूदने देता ही नहीं बराबर से वो, और जिसके मैं हार गया इसके अंदर भी। तो गाइस आज के लिए इतना, अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।